गुड इवनिंग एवरी वन. लेट मी नो वेदर माई वॉइस इज क्लियर और नॉट. माई वॉइस इज क्लियर. हेलो विपुल गावड़े. कोई भी माइक ऑन नहीं करना है ना वीडियो ऑन करना है. समझ में आया? पहले से आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जब भी मैं बोलूंगी तब भी माइक ऑन करना है. ओके समझ में आया? ओके चले सब लोग अटेंडेंस लगा लीजिए चैट बॉक्स में और मैथ्स की नोटबुक निकालिए सब लोग. ओके सब लोगों ने अटेंडेंस लगा ली. मैथ्स की नोटबुक निकालिए. ओके चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. स्क्रीन सबको विजिबल है, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए. ओके लेट्स स्टार्ट. टुडे इज अवर एपिसोड 2 मैथ्स क्लास है राइट. और हमारा सेशन नंबर है 48. ओके सेशन नंबर क्या है? 48. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. तो टुडेज टॉपिक, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन, जो लास्ट टाइम मैंने जो कुछ पढ़ा है उस पर मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. देखते हैं कितने लोगों को याद है जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया है. ओके कितने जनों ने घर पे होमवर्क किया है उससे पता चलेगा. ओके नेक्स्ट सॉल्विंग एन इक्वेशन, इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये आज हम लोग क्या करने वाले पढ़ने वाले. ओके इक्वेशन सॉल्व कसे करायचे ते आज अपन या सेशन मध्ये शिकणार आहोत. देन लास्टला त्याच्यावर क्विज. ओके क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट वी हैव गोइंग टू स्टडी टुडे. ओके चले तो लास्ट टाइम मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को याद है? आप लोगों को कौन बताएगा मुझे? लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चंस लिए थे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के राइट. याद है आप लोगों को? बताइए घर पे होमवर्क किया होगा आप लोगों ने. एक क्वेश्चन था आप लोगों को कि वेरिएबल की वैल्यू दी गई थी राइट, उससे आप लोगों को चेक करना था वो इक्वेशन करेक्ट है या जो दिया हुआ सॉल्यूशन इक्वेशन के लिए राइट है या रॉन्ग है राइट. यही पढ़ा था ना मैंने, याद है सब लोगों को? देखिए बोर्ड पे फॉर एग्जाम्पल चले एक क्वेश्चन देते हो आप लोगों को, आप लोगों को सॉल्व करना है. 4p-3=13. ओके यहाँ पे p इक्वल टू है -4. चले सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए ये जो गिवन सॉल्यूशन है ये इक्वेशन के लिए करेक्ट है या रॉन्ग है. 4p-3=13. चले फटाक से सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए. चले प्रद्युम्न का आंसर आया है, बाकी लोगों का सॉल्व कीजिए. चलिए 4p-3=13, p=-4. देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करना था,
पहले हम लोग LHS लेंगे, ओके? LHS क्या है हमारा? लेफ्ट हैंड साइड 4P-3, ओके? 4P, P की जगह हम लोग क्या डालने वाले? -4 -3, 4 4 16, ओके? एक प्लस है, एक माइनस है, तो -16 -3 क्या आंसर आ जाएगा? -16 -3 कौन बताएगा मुझे? ये इंटीजर का कैसे हम लोग करेंगे? -16 -3 क्या करेंगे? चलिए बताइए। यस, -19 क्या है आंसर? -19। और RHS में, वेट अ मिनट, LHS क्या था? 4P-13, 4 मल्टीप्लाई बाय -4 -13 क्या आया था? -16। ओके सॉरी, प्लस थ्री है यहाँ पे, 1 नहीं है, ओके? 3, -16 -3 क्या आ गया? -19। और RHS में क्या दिया हम लोगों को? 13। तो -19 और 13 इक्वल टू है क्या? नहीं, तो गिवन सॉल्यूशन रॉन्ग है। समझ में आया सब लोगों को? सब लोगों को समझ में आया? चले कुछ क्वेश्चन देखते हैं आज हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। राइट अ इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप लोगों को नीचे स्टेटमेंट दिए है, आप लोगों को उसका इक्वेशन तैयार करना है, ओके? चले मुझे बताइए, फर्स्ट क्या है स्टेटमेंट? 10 टाइम A इज अ 70, 10 टाइम A इज अ 70 कैसे लिखोगे आप लोग इक्वेशन? कैसे 10 टाइम्स A इज अ 70? चलिए बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए इक्वेशन। क्या बोला है? 10 टाइम्स, टेन टाइम्स ए इज अ 70। चलिए बताइए, यस, 10 टाइम्स A इज 70, 10A इक्वल टू 70, नॉट प्लस। प्लस नहीं है, प्लस क्या वहां पे? प्लस नहीं बोला है ना, तो प्लस नहीं आ जाएगा। बघा इथे काय सांगितलंय? 10 टाइम्स A म्हणजे 10 मल्टीप्लाय बाय A इज अ 70, मीन्स इक्वल टू 70, ओके? समझ में आया सब लोगों को? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया? 7 टाइम्स M प्लस 7 गेट्स यू 77। चलिए बताइए, 7 टाइम्स M प्लस 7 गेट्स यू 77। चलिए कौन बताएगा मुझे? 7 टाइम्स M प्लस 7 गेट्स यू 77, ओके? 7M प्लस 7 इक्वल टू 77। और बाकी के लोग, और कुछ अलग कुछ इक्वेशन? यस, वेरी गुड। समझ में आया क्या बोला आप लोगों को? देखिए क्या बोला आप लोगों को, 7 टाइम M राइट प्लस 7 यू गेट मीन्स इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? 77। इक्वेशन ये करेक्ट है। समझ में आया सब लोगों को कैसे इक्वेशन बनाना है? किसी को कुछ डाउट है? ये लास्ट टाइम हमारा हो चुका है, राइट? ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सेटअप एंड इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। आप लोगों को एक वर्ड प्रॉब्लम है, ओके? लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, एक उन्होंने केस बताया है, उससे आप लोगों को इक्वेशन तैयार करना है और बाद में वो सॉल्व करना है, ओके? समझ में आया? चले क्या क्वेश्चन दिया देखिए। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज अ ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7। द हाइएस्ट स्कोर इज 87। टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी आंसर। काय सांगितलंय? क्या बोला यहाँ पे? टीचर
ने क्या बोला है? द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज अ ट्वाइस द लोएस्ट मार्क +7। उन्होंने क्या बोला है? देखिए, टीचर ने क्या बोला है, हमारे क्लास में एक स्टूडेंट को हाईएस्ट मार्क्स मिला है, वो क्या बोला है उन्होंने, वो हाईएस्ट मार्क कितना है, कैसे ऑप्टेन हुआ होता है, ट्वाइस दी लोएस्ट मार्क, मीन्स लोएस्ट मार्क को ट्वाइस, लोएस्ट मार्क का ट्वाइस +7 करके हम लोगों को हाईएस्ट स्कोर मिलता है। ओके, द हाईएस्ट स्कोर इज अ 87। उन लोगों ने बोला है हाईएस्ट स्कोर क्या है, 87 है। और अब उन्होंने आप लोगों को क्लू भी दिया है कि लोएस्ट स्कोर को क्या करना है, आई लेना है। तो कैसे इक्वेशन आ जाएगा, चले कौन बताएगा, कौन सांगनार, काय क्वेश्चन दिलाय बघा त्यांनी, त्यांनी काय टीचर काय बोलते है कि आपल्या क्लास मध्ये जो हायेस्ट मार्क आलाय तो कसा आलाय, लोएस्ट मार्क का ट्वाइस, ओके, प्लस त्याच्यामध्ये 7 ऍड केलंय, तर काय मिळतं आपल्याला, हायेस्ट मार्क, हायेस्ट स्कोर मिळतो, आणि हायेस्ट स्कोर किती आहे, 87 है। देखिए इजी है, कौन बताएगा मुझे? ओके, प्रद्युम्न बताइए। यस, हेलो मैम, हमें लोएस्ट स्कोर काटना है तो उन्होंने क्या कहा है? हायर स्कोर वो है लोएस्ट का ट्वाइस और उसमें +7 है तो आएगा हमारा हाईएस्ट स्कोर, और हाईएस्ट स्कोर है 87, इसलिए 87 माइनस से एल इज इक्वल टू 87 -7 डिवाइड बाय 2 इज द लोएस्ट लोएस्ट स्कोर एंड इट इज 40। पहले इक्वेशन बताइए मुझे, कैसे इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन ही सॉ इक्वेशन कैसे आ एल जाएगा? एल आए इज आए, इक्वल टू नॉट द एल। आई इज इक्वल टू 87 -7 डिवाइड बाय 2। ये आप लोगों आपने पूरा सॉल्व करके बताया, पहले सिंपल वाला हम लोगों को इक्वेशन बनाना है। देखिए यहाँ पे सिंपल वाला कैसे बनाएंगे, पहले प्रद्युम्न का भी राइट है पर उसने थोड़ा आगे सॉल्व करके बताया उसने। ओके, देखिए यहाँ पे हमको गिवन इक्वेशन, क्वेश्चन से क्या क्या मिला, हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर क्या है, हाईएस्ट स्कोर इज 87, राइट। उन्होंने क्या बोला है, लेट लोएस्ट स्कोर बी आई। ओके, आई लिया हम लोगों ने लोएस्ट स्कोर। ओके, अब उन्होंने क्या बोला, हाईएस्ट स्कोर कैसे मिलता है, हाईएस्ट स्कोर कैसे मिलता है, ट्वाइस दी लोएस्ट स्कोर। ओके, लोएस्ट स्कोर का हमारा आई, ट्वाइस दी आई +7 इक्वल टू 87। तो इक्वेशन देखिए क्या है यार, 2i+7 इक्वल टू 87, राइट। समझ में आया, इक्वेशन क्या बन गया हमारा, ट्वाइस आई प्लस 7 इक्वल टू 87। समझ में आया यहाँ तक सब लोगों को, यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को, बताइए चैट बॉक्स में, किसी को कुछ डाउट है, सब लोग ध्यान, सब लोगों के दिमाग में गया ये ना काला। ओके, चले फिर से बताती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे आप लोगों को हाईएस्ट स्कोर क्या बताया है, हाईएस्ट स्कोर क्या है आपका, 87, राइट। और उन्होंने हम लोगों को लोएस्ट स्कोर क्या बोला है, अज्यूम करने के लिए बोला है, आई करके। ओके, लोएस्ट स्कोर आई करके हम लोगों ने अज्यूम किया। ओके, अब आप लोगों को इक्वेशन उन्होंने क्या बताया है कि हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय, ये हाईएस्ट मार्क कैसे मिल रहे हैं हम लोगों को, ट्वाइस दी लोएस्ट मार्क। ओके, ट्वाइस, टू मल्टीप्लाई बाय, ट्वाइस मीन्स क्या, टू मल्टीप्लाई बाय लोएस्ट मार्क, लोएस्ट मार्क क्या हमारा आई, प्लस प्लस उन्होंने क्या बोला, 7 इक्वल टू हम लोगों को क्या मिल रहा है, हाईएस्ट स्कोर 87, राइट। मीन्स क्या हो गया, टू मल्टीप्लाई बाय आई मीन्स क्या हो गया, टू आई प्लस 7 इक्वल टू 87। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को, ये इक्वेशन मिल गया हमें, समझ में आया सब लोगों को, अब बताइए चैट बॉक्स में। यस, अब प्रद्युम्न ने हम लोगों को क्या बोला है, पूरा सॉल्व करके बताया, आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो, पर यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन ही बनाने के लिए बोला है। ओके,
सॉल्विंग एन इक्वेशन हम लोग आज पढ़ने वाले, तो यही इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया सब लोगों? इक्वेशन कैसे बनाना है, किसी को कुछ डाउट है? आप लोगों को इक्वेशन बनाने आने चाहिए, उसके बाद आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा। तो इक्वेशन कैसे बनाना है समझ में आया सब लोगों को? किसी को कुछ डाउट है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? सॉल्विंग एन इक्वेशन। चलिए, तो अभी जो इक्वेशन हम लोगों को बनाने में आ गया, ओके, इक्वेशन कैसे बनाना है वो हम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो आज हम लोग पढ़ने वाले। ओके, देर आर टू टाइप्स, ओके, सॉल्विंग सॉल्व करने के टू टाइप्स है, टू मेथड्स है। फर्स्ट वाला मेथड देखिए। ओके, देखिए फर्स्ट वाले मेथड में क्या बोला है, सॉल्विंग एन इक्वेशन इन्वॉल्व परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन ऑन द एक्सप्रेशन ऑन आइदर ऑफ द इक्वल टू साइन दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज फाउंड विदाउट डिस्टर्बिंग द बैलेंस। देखिए फर्स्ट वाले मेथड में क्या करते हैं उन लोग, फर्स्ट वाले मेथड में क्या करें करते हैं, आपके जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं हम, आप लोगों के पास एक इक्वेशन है, ओके, आप उसमें आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना है। ओके, एक्सक्यूज मी। ओके, देखिए आप लोगों के पास एक इक्वेशन है, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है, तो उसमें आप लोगों को ऑपरेशन करना पड़ेगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट मेथड में आप लोगों को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों साइड में सेम इक्वेशन करना है, सेम ऑपरेशन करना है। ओके, मीन्स आप लोग लेफ्ट साइड में जो +7 कर रहे होगे तो राइट ऑफ साइड ने साइड में भी +7 ही करना है, उससे आप लोगों का इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस रहेगा। ओके, विदाउट विदाउट बैलेंस, आपको बैलेंस डिस्टर्ब नहीं करना है। इक्वेशन मीन्स क्या, हम लोगों को, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, सिंपल इक्वेशन मीन्स क्या है, बैलेंस होता है, इक्वल टू साइन मीन्स, और इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस होता है, तो आप लोगों को वो दोनों साइड का इक्वेशन बैलेंस कर बैलेंस ध्यान में रखते हुए वो क्या करना है, इक्वेशन उस पर ऑपरेशन करना है। कहते तुम्हाला काय सांगितलं फर्स्ट मेथड मध्ये, तुम्हाला एक इक्वेशन दिलं असेल, ओके, आता त्याच्यामध्ये तुम्हाला इक्वेशन सॉल्व करायला तुम्हाला त्याच्यामध्ये काहीतरी ऑपरेशन करायला लागतील, म्हणजे ऍडिशन करायला लागेल, मल्टिप्लिकेशन करायला लागेल, नाहीतर सप्रेशन करायला लागेल, पण ते जे करताय तुम्ही त्या इक्वेशन मध्ये, तर तुम्ही लेफ्ट हँड साइडला जर सपरेशन करत असेल तर राईट हँड साइडला सुद्धा सपरेशनच करायला लागेल। ओके, दोन्ही साइडला वेगळं वेगळं करून चालणार नाही, त्याच्या जेणे त्याच्या त्याच्याने काय होणार, तुमचं जे इक्वेशन आहे ते अनबॅलन्स होईल। तुम्हाला इक्वेशन काय करायचं, बॅलन्सच ठेवायचं आहे, आणि त्याचा विचार करून तुम्हाला तिथे ऑपरेशन करायचे, दोन्ही साइडला सेम ऑपरेशन करायचे। कळालं सगळ्यांना? सबको समझ में आया? फर्स्ट मेथड सबको समझ में आ गया? ओके, चले उसके ऊपर का मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, फर्स्ट मेथड का एक एग्जांपल। देखिए देखिए एग्जांपल, देखिए यहाँ पे क्या है, 2x+4, क्या बोला है, 2x+4=10। ओके, बघा इथे सगळ्यांनी इक्वेशन काय दिलं तुम्हाला, 2x टू एक्स प्लस फोर। ओके, आता तुम्हाला पहिले तुम्ही हा इक्वेशन काय केलं, कन्सिडर केलं। ओके, आता तुम्हाला काय करायचंय, आता इथे +4 आहे, ओके, तर तुम्हाला काय करायचंय, सपरेटिंग 4, आता इथे +4 आहे ना, इक्वेशन तुम्हाला बॅलन्स करायचंय, कसं बॅलन्स करणार, इक्वेशन बॅलन्स कसं करणार, या +4 मध्ये जर तुम्ही -4 ऍड केल्यानंतर, ओके, तर +4 सबट्रॅक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ LHS एंड RHS, तर तुम्ही काय करणार, दोन्ही साइडला -4 ऑपरेशन करणार, ओके, सबट्रॅक्ट करणार 4, ओके, तर तुम्हाला आंसर काय मिळणार, बघा 4 4 कॅन्सल होणार, ओके, काय येणार, 2x=6। ओके, आता इथे 2x=6 आलं, मग एक्स इक्वल टू काय येणार, आता हे 2 इथे मल्टिप्लाय इकडे होऊन काय होणार, डिवाइड होणार, राईट, मग 6/2 काय येणार, 3। कळालं सगळ्यांना?
सबको समझ में आया यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने? आपको इक्वेशन बैलेंस करना था, राइट? देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इक्वेशन क्या था, 2x+4=10। ओके, आता तुम्हारा इतने आप लोगों को यहाँ पे इक्वेशन क्या करना है, बैलेंस करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करना है मीन्स क्या करना है, आप लोगों को इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके ओके, तो ये जो बाकी के नंबर है उसका कुछ काम नहीं, एक सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग कैसे निकालोगे, पहले इसको यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे +4 है तो हम लोग क्या करेंगे, -4। तो 2x+4-4, ओके ये बैलेंस हो गया यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे भी क्या करना है, 10-4। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ मिला 2x+4-4 है ना, तो कैंसिल हो गए, इक्वल टू 10-4 6। और यहाँ पे देखिए अब x इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 6/2=3। समझ में आया सब लोगों को कैसे सॉल्व किया? किसी को कुछ डाउट है? तो ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में क्या करना है आप लोगों को, कि इक्वेशन सेम ऑपरेशन करना है दोनों साइड में, ओके उससे इक्वेशन बैलेंस होता है। समझ में आया? और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ओके देखिए x+1=0। चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, बैलेंस रखना इक्वेशन, ओके x+1=0 कैसे करेंगे? फर्स्ट मेथड, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, चलिए बताइए, कौन बताएगा मुझे? x+1=0 यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना है फर्स्ट मेथड से। बाकी के लोग से प्रद्युम्न ही आंसर कर रहा है, बाकी के लोग अनगा माइक ऑन कर बताइए कैसे हम लोग यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर फर्स्ट मेथड से। हाँ अनगा, -1 करेंगे राइट, पर दोनों साइड करना है। समझ में आ रहा है? अब ये किसने, आनंद, ओके आनंद जो -1 लेफ्ट हैंड साइड में किया है वो राइट हैंड साइड में भी करना है। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में करके आपका इक्वेशन बैलेंस होगा क्या? नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, अब +1 है तो हम लोग क्या करेंगे, सप्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, राइट, सप्रैक्ट 1 टू बोथ साइड। ओके देखिए कैसे करेंगे, x+1-1=0-1। समझ में आया? बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, -1 करेंगे राइट। अब यहाँ पे देखिए +1-1 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया, 0-1 क्या हो गया, -1। समझ में आया सब लोगों को कैसे इक्वेशन सॉल्व किया? सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ही नहीं करना है, दोनों साइड में करना है ऑपरेशन, नहीं तो आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा। ओके फर्स्ट मेथड सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है? ये थी फर्स्ट मेथड, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करते हुए वक्त इक्वेशन बैलेंस भी रहना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। ओके ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट मेथड। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, मेथड टू ट्रांसपोजिंग। सेकेंड मेथड क्या है देखिए, ट्रांसपोजिंग। देखिए इस मेथड में क्या करना है, इट इन्वॉल्व मूविंग द टर्म्स टू वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। क्या होता है इस मेथड में, जो नंबर होता है लेफ्ट हैंड साइड का नंबर राइट हैंड साइड में मूव होता है, ओके
एक वेरिएबल हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, मीन्स क्या करते हैं, जो वेरिएबल दिया होता है एक्स वाई कुछ भी एल एम एन, उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, जो इक्वेशन है होता है वो दूसरे साइड में क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं। ओके, द वेन टर्म्स मूव फ्रॉम वन साइड टू अनादर दे चेंज देयर साइन। और हम लोग जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जो भी टर्म मूव करते हैं, ओके, तभी क्या होता है, उसका साइन भी चेंज होता है। समझ में आया? जो हम लोगों को प्रद्युम्न ने फर्स्ट टाइम जो इक्वेशन सॉल्व करके बताया था, उसने टर्म सब उस साइड में क्या किए थे, मूव किए थे, वो क्या था, ट्रांसपोजिंग मेथड, इक्वेशन सॉल्व करने का ट्रांसपोजिंग मेथड था। समझ में आया? ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो एक साइड का, आप लोगों को यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू निकालने, ओके, तो वेरिएबल सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए, और जो बाकी का सब टर्म है वो हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ओके, और मूव करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, उसका साइन भी चेंज होता है। ओके, तो जो टर्म होता है इस मेथड में क्या होता है, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जो टर्म होता है वो दूसरे साइड में मूव होता है, इसलिए उसे क्या करते कहते हैं हम लोग, ट्रांसपोजिंग मेथड। समझ में आया सब लोगों को? तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एक्स प्लस टू इक्वल टू सिक्स, यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, देखिए एक्स प्लस टू इक्वल टू सिक्स। अब यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे प्लस टू है, ये हम लोग इस साइड में मूव करेंगे, तो प्लस टू इधर जाके क्या होगा, सिक्स माइनस टू, ट्रांसपोज ऑफ टू ना, टू का क्या, टू उस साइड में क्या हो गया, मूव हो गया, हम लोगों को क्या बोला है, उस साइड में मूव भी होगा और उसका साइन भी चेंज होगा। प्लस टू का क्या हो गया, माइनस टू, तो क्या आ गया आंसर, फोर, एक्स इक्वल टू फोर। समझ में आया सब लोग को? सब लोगों को समझ में आया, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ये था ट्रांसपोजिंग मेथड। समझ में आ रहा है सब लोगों को? एक इक्वेशन बताती हूँ आप लोगों को, आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। टू क्यू प्लस सिक्स इक्वल टू 12। चलिए ये सेकेंड मेथड, ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करना है। चलिए सब लोग सॉल्व कीजिए और मुझे क्यू की वैल्यू बताइए। चलिए सब लोग सॉल्व कीजिए, टू क्यू प्लस सिक्स इक्वल टू 12। क्या आंसर आया, क्यूब की वैल्यू क्या मिली? ओके, थ्री। बाकी के लोग बताइए क्यूब का वैल्यू क्या मिला आप लोगों को? क्यू तो वैल्यू क्या बैठला है, फोर। ठीक से सॉल्व कीजिए, थ्री या फोर, दो अलग अलग आंसर मिल रहे हैं मुझे, इक्वेशन तो एक ही है। बाकी के लोग, सिर्फ दो ही, दो और थ्री स्टूडेंट है क्लास में। करेक्ट आंसर इज थ्री, नॉट फोर। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व किया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस सिक्स से इसको इस साइड मूव करेंगे, राइट। मीन्स क्या आ जाएगा, टू क्यू इक्वल टू 12 माइनस सिक्स, प्लस सिक्स का क्या हो गया, माइनस सिक्स, राइट। टू क्यू 12 में से सिक्स गया सिक्स, ओके, देयरफॉर टू। अब यहाँ पे देखिए टू क्यू है ना, मीन्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड,
क्यू इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, तो 2 के टेबल में 6 है, 2 1 2, 2 3 6, तो आंसर इज 3। समझ में आया? क्यू की वैल्यू क्या आ गई? 3, 4 नहीं है। समझ में आया? जिनका आंसर गलत आया है उनको समझ में आया कैसे कहाँ पे रॉन्ग हो गया? ओके, तो समझ में आया सेकेंड मेथड ट्रांसपोजिंग क्या करना है, टर्म्स क्या करने हैं, दूसरे साइड मूव करने हैं। ओके, और फर्स्ट मेथड में क्या करना है, बैलेंस करना इक्वेशन। ओके, चले नेक्स्ट। अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस लेते हैं। ओके चले, आप लोगों को सॉल्व करना है फटाक से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव द फर्स्ट स्टेप, यू विल यूज द सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट मेथड से सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, x-1=0। चलिए सॉल्व कीजिए, फर्स्ट वाली मेथड से करना है इक्वेशन, x-1=0। बताइए x की वैल्यू क्या आ जाएगी? फर्स्ट मेथड से करना है। हाँ चलिए बताइए बाकी के लोग। देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, सब लोग ध्यान दीजिए। एक्स माइनस 1=0। अब यहाँ पे -1 है, आप लोगों को बैलेंस क्या करना है, सॉरी इक्वेशन बैलेंस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू एड 1 टू बोथ द साइड, राइट? हम लोगों को +1 करना पड़ेगा दोनों साइड में। तो एक्स -1+1=0+1, राइट? तो 1 1 कैंसिल हो गए, क्या आ गया, x=1। ओके समझ में आया सब लोग? समझ में आया? नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या दिया है, x-1=5। यहाँ पे क्या करेंगे, कौन बताएगा मुझे, x-1=5 बैलेंस इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दोनों साइड में कौन क्या ऑपरेशन करेंगे? चलिए कौन बताएगा मुझे? ओके राजदीप बताइए क्या करेंगे हम लोग। हम लोग वहां पर x-1 के बाद में +1 और 5 के बाद में +1 लिखेंगे। यस, वेरी गुड। यहाँ पे वी हैव टू एड 1 टू द बोथ साइड। यहाँ पे भी हम लोगों को 1 क्या करना पड़ेगा, एड करना करना पड़ेगा। ओके तो देखिए एड करके क्या आंसर आता है, क्वेश्चन क्या है, x-1=5। ओके तो देखिए क्या करेंगे, +1, x-1+1=5+1। ओके 1 1 कैंसल, x=2, आंसर क्या आ गया, 6, 5+1 6। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक ऑफ करना है जिसका भी माइक ऑन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x+6=2। यहाँ पे कौन बताएगा क्या ऑपरेशन करेंगे हम लोग इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, x+6=2। आनंद सकपाल माइक ऑन कीजिए और बताइए मुझे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। यस मैम -6 करेंगे बोथ साइड पे। हेयर वी हैव टू सबट्रैक्ट 6 टू बोथ द साइड, राइट? हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में से -6 करेंगे। ओके किसका माइक ऑन है? राजदीप माइक ऑफ कीजिए, आपका माइक ऑन है। ओके चले, तो इक्वेशन क्या दिया था हम लोगों को, x+6=2। ओके तो x+6 क्या करेंगे, -6=2-6।
ओके, 6 6 कैंसल हो गए, x इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, कौन बताएगा मुझे? प्रद्युम्न बताइए, 2 माइनस 6 क्या आंसर आ जाएगा? यस, -4। हम लोग क्या करते हैं, 2 माइनस 6 मीन 6 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, ओके, हम लोग 6 में से 2 ही कैंसिल करेंगे, पर बड़े नंबर का बिगर नंबर का साइन देंगे, तो 4 आ जाएगा, पर -4। ओके, समझ में आया सब लोग को? कैसे सॉल्व किया आप लोगों को, पढ़ाया है मैंने, सब इंटीजर वगैरह सब हो गया हमारा। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, सर आपका नाम पता नहीं था, अभिजीत। ओके, नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया, देखिए, 3i = 42। चलिए यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3i = 42। चलिए कौन बताएगा मुझे, 3i = 42 कौन बताएगा मुझे, क्या करेंगे हम लोग, 3i = विरंजित, विरंजित माइक ऑन कीजिए और मुझे बताइए, यहाँ पे 3i = 42 है, तो मुझे इक्वेशन बैलेंस करना है, तो कौन सा ऑपरेशन हम लोग करेंगे? विरंजित, स्विच ऑन योर माइक एंड टेल मी। चले आ, याद अभी तो सबको याद हो गया ना, बताइए क्या करेंगे? अनघा, अनघा है क्लास में, अनघा टेल मी क्या करेंगे हम लोग वहां पे, 3i। सबको मेरी आवाज आ रही है, जरा बताइए चैट बॉक्स में। ओके, मैंने क्वेश्चन पूछने के बाद ही अनघा को वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, राजदीप बताइए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। हाँ, हम लोग 3i को और 42 को 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 3i है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नाउ वी हैव टू डिवाइड बोथ द साइड इक्वेशन बाय 3। 3 से दोनों साइड को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया है, 3i = 42। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है ना, सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका अपोजिट मीन्स डिवाइड करेंगे, 3i / 3। ओके, = 42/3। और यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो गया, राइट, i = क्या हो गया, आंसर क्या आ गया, 14। 14 3 = 42। समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया, किसी को कुछ डाउट है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। b/2 = 6। अभिजीत आप बताइए यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑपरेशन करेंगे इक्वेशन बैलेंस होने के लिए, b = 6 है। यस मैम मल्टीप्लाई और टू फ्रॉम बोथ द साइड। यस, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 2। ओके, 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, माइक ऑफ कीजिए अभिजीत। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे हम लोग क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन है हमारा, b/2 = क्या है, 6। तो यहाँ पे डिवाइड है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से दोनों साइड में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 2 यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, b = क्या हो गया, 6 2 12। समझ में आया हम लोगों को? सॉरी, आप लोगों को समझ में आया?
कैसे सॉल्व करना है ये सब हम लोगों ने फर्स्ट मेथड से देखा, मीन्स जो इक्वेशन बैलेंस करना था फर्स्ट मेथड का। ओके, अच्छी तरह से समझ में आया फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को सेकेंड मेथड से सॉल्व करना है। ओके, कौन से मेथड से सॉल्व करना है? सेकेंड, सेकेंड मेथड यानी ट्रांसपोजिंग। ओके, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग सेकेंड मेथड से, कौन बताएगा मुझे? प्रद्युम्न बताइए, सेकेंड मेथड से हम लोग फर्स्ट जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे। 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2। प्रद्युम्न है क्लास में? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो प्रद्युम्न माइक ऑन कीजिए और बताइए मुझे ट्रांसपोजिंग मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन। कौन बताएगा? और राजदीप, आपको आता है? बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या बताया था मैंने, भूल गए सब लोग? जो टर्म है वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। हम लोग क्या करते हैं, बाकी के टर्म दूसरे साइड मूव करते हैं, राइट ना? वही करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताती हूँ। क्या दिया है क्वेश्चन, 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस 5/2 है, ये साइड मूव करेंगे, राइट? मीन्स 2y इक्वल टू 37/2 प्लस प्लस 5/2 क्या क्या हो गया, 5/2। ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 37 में से 5 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 32/2। ओके, राइट? अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड 2 है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड टू बोथ द साइड, राइट? आप लोग डिवाइड टू बोथ द साइड करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना 2y, तो हम लोग क्या करेंगे बाद में, 2y/2 इक्वल टू 32/2, और मीन इधर जाके क्या हो गया, 32/2, यहाँ पे क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल होगा ना 1/2, रेसिप्रोकल हो गया ना 1/2। वेट अ मिनट, यहाँ पे देखते कहाँ तक आए थे हम लोग, 2y इक्वल टू 32/2। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को y की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ फिर से क्या करेंगे, आप लोग ये इस 2 को यहाँ पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप लोग जाके डिवाइड कर सकते हो, y इक्वल टू क्या करेंगे, 32/2 और डिवाइड बाय 2, मीन्स क्या हो गया, y इक्वल टू 32/2 इक्वल टू, ये यहाँ पे 2 है, ऊपर जाके उसका रेसिप्रोकल 1/2 हो गया, राइट? मीन्स क्या हो गया, 32/4। तो आंसर क्या हो गया, y इक्वल टू 8, 4 4 8 32। समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया कैसे सॉल्व किया? किसी को कुछ डाउट है? यहाँ तो समझ में आया। ट्रांसपोजिंग मेथड में सब हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्म सब लोग मूव कर रहे हैं। ओके, विथ क्या करेंगे, नंबर का साइन भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है ना? बताइए चैट बॉक्स में, किसी को कुछ डाउट है?
और एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5t प्लस 28 इक्वल टू 10, ओके। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या करना करेंगे यहाँ पे, ट्रांसपोजिंग मीन्स सब ये जो टर्म है इस साइड मूव करेंगे, ओके। देखिए तो 5t, अब यहाँ पे क्या है, प्लस 28 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, -28, ओके। तो 5t इक्वल टू क्या हो गया, 10 - 28 -18, राइट, क्या हो गया, -18। अब यहाँ पे क्या है, 5 × t है, तो यहाँ पे जाके क्या हो गया, डिवाइड, तो t इक्वल टू -18/5, समझ में आया। तो t की वैल्यू क्या आ गई, -18/5, हो गया सॉल्व। अभी समझ में आ गया, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सॉल्विंग एन इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड्स देखे, ओके। तो दोनों मेथड आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए। फर्स्ट मेथड में सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन बैलेंस रखना है, और सेकेंड मेथड ट्रांसपोजिंग में जो सारे टर्म है दूसरे साइड में मूव करना है, उसके नंबर के साइन भी चेंज हो गए, ओके। तो आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है, ये जो सब क्वेश्चन है पीपीटी में दिए हुए, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को घर पे सॉल्व करना है, ओके। समझ में आया, घर पे सॉल्व करना है। गूगल क्लासरूम में होमवर्क अपलोड करूंगी, आप लोगों को देख सॉल्व करना है, ओके। ओके चले, फिर हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यू करेंगे, ओके। आप लोग क्लास लेव कर सकते हो। बाय एवरीवन एंड गुड नाइट, बाय। बाय मैम, गुड नाइट। क्लास लेट कीजिए बिल्कुल।